विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। मनीषा जी, हर बार की तरह इस बार भी मुझे पता है कि बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत कीमती चीजें आप लेकर हाजिर हुई हैं। जाहिर है कि हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा, लेकिन मैं खुद भी बेसब्र हूँ इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए। वाकई जितने बेसब्र आप हैं अमर जी, बिल्कुल उतनी ही बेसब्री मुझे भी है। खैर, अपनी सब्र पर तो हम लगाम लगा सकते हैं, श्रोताओं की सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और बता देना चाहिए कि आज हम किन महान कलाकारों के बारे में बात करेंगे और उनके रिकॉर्डिंग्स सुनवाएंगे। सबसे पहले तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि महान फिल्मकार बिमल रॉय, उनको याद करेंगे। हम याद करेंगे दो महान संगीतकारों को, संगीतकार रोशन और संगीतकार मदन मोहन। यानी मान के चला जाए कि आज की विविधा बहुत मधुर होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। 12 जुलाई बिमल रॉय साहब की जन्मतिथि होती है और हमारे श्रोता बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हम विविध भारती से उनकी फिल्मों के गीत 12 जुलाई को जरूर प्रसारित करते हैं और वो सुन भी रहे होंगे और सुना भी होगा। तो श्रोताओं, आप समझ गए कि हम बिमल रॉय साहब के बारे में पहले बात करने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ मनीषा जी, कि बिमल रॉय साहब के बारे में हम क्यों ज्यादा बात करें। मुझे जहां तक याद है कि बिमल रॉय साहब के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, मेरे ख्याल है आप ही ने बनाया था वो। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के जी नक्षत्र। हाँ, फिल्मकार बिमल रॉय पर केंद्रित ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से बना था। कमल शर्मा जी और हमारी पूरी टीम थी जिसने, मैं ही क्यों, हम सभी उससे जुड़े हुए थे। तो वही सुन लें। बिल्कुल उसे सुनते हैं। और मेरे कहने का माने भी यही था कि प्रोग्राम के जरिए बिमल रॉय साहब को एक बार फिर हम याद करते हैं। तो आइए सुनते हैं बिमल रॉय साहब पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम जिसे हमने बनाया था श्रोताओ 2013 में, जब भारतीय सिनेमा ने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। तो याद करते हैं इस महान फिल्मकार को। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। विमल दा इस लौकिक जगत की ओर लौटकर कभी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे लिए जिंदगी की कई कहानियां छोड़ गए अपनी फिल्मों की निशानी के तौर पर, जो आज अमूल्य धरोहर हैं भारतीय सिनेमा की। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के महान नक्षत्र बिमल रॉय पर। फिल्मकार बिमल रॉय भारतीय सिनेमा के एकमात्र ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जिनकी एक फिल्म को 9 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। ये फिल्म थी एक और महान फिल्मकार ऋत्विक घटक की कहानी पर आधारित मधुमति। मैं तो कब से खड़ी इस पांव की अखियां थक गई पंख निहार, आ जा रे परदेसी। मधुमति के कहानीकार ऋत्विक घटक के संदर्भ में बोलते हुए आप हैं बिमल रॉय की सुपुत्री
रिंकी भट्टाचार्य। सबको इकट्ठा करके बहुत जोर जोर के आवाज में बोला कि मैंने ऐसा एक भूत का कहानी लिख दिया है कि ये जो कैपिटलिस्ट है ना विमल राय, वो अब एकदम खत्म हो जाएगा। तो वो उसी कहानी से विमल राय प्रोडक्शंस की आमदनी इतना बढ़ गई कि आज तक लोग उसी को लेके, लोग रीमेक के बारे अगर कोई पूछते हैं तो सबसे पहले मधुमति का नाम आता है। फिल्म मधुमति के नायक थे दिलीप कुमार और उनकी नायिका बनी वैजयंती माला। पुनर्जन्म के कथानक पर आधारित इस फिल्म में यादगार संगीत दिया सलिल चौधरी ने। फिल्म मधुमति के प्रदर्शन के 5 बरस बाद सन 1963 में बिमल दा ने भारतीय सिनेमा को दी अशोक कुमार और नूतन के मर्मस्पर्शी अभिनय से सजी कालजयी कृति बंदिनी। मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ सागन की, मेरा खींचती है आग, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। फिल्म बंदिनी को भी 5 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। इसी फिल्म से फिल्म गीतकार के रूप में शुरुआत हुई गुलजार की। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे। भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्मों का उपहार देने वाले बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई सन 1909 में ब्रिटिश काल के पूर्वी बंगाल स्थित सुआपुर में हुआ था। बिमलदा के पिता हेमचंद्र रॉय की सुआपुर में जमींदारी थी। छोटी उम्र से ही बिमलदा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के अवसर पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में बिमलदा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उसी दौर का एक लोकप्रिय नाटक था मिस्र कुमारी। सन 1957-58 में मिस्र कुमारी के कथानक को बिमल दा ने सेल्यूलॉइड पर साकार किया फिल्म यहूदी के नाम से। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूप, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है। जिन दिनों युवा बिमलदा ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी दौरान पिता हेमचंद्र रॉय का निधन हो गया। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद के हालात का लाभ उठाकर जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने परिवार की जमीन जायदाद हड़प ली। अजब तोरी दुनिया, जब तोरी दुनिया हो मुरे रामा, जब तोरी दुनिया हो मुरे रामा। बिमलदा का परिवार बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कोलकाता चला आया। जलता रहे खून पसीना ढलता रहे, जीवन का आरा चलता रहे। वक्त की बेरहम मार से घायल बिमलदा ने
परिवार के भरण पोषण के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दक्षिण कोलकाता की चकबेरिया रोड पर परिवार के लिए एक किराए का मकान लिया गया और बिमलदा जुट गए जिंदगी से संघर्ष करने में। यह है जिंदगी प्यारे, बातों में दिन गुजारे, दिल जलाए तन जले मन जलता रहे, आंखों पसीना ढलता रहे, जीवन का आरा चलता रहे। ओ हो हार युवा बिमल रॉय ने भी नहीं मानी, बल्कि हार पहन लिया हालात से लड़ने के संकल्प का। काम की तलाश बिमलदा को कोलकाता के फिल्म स्टूडियो तक ले आई। जेब भले ही खाली थी मगर हिम्मत के वो धनी थे। संघर्ष के उसी दौर में बिमल रॉय फिल्मकार प्रमोथेश बरुआ के संपर्क में आए। प्रमोथेश बरुआ ने युवा बिमल रॉय को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमलदा ने अपनी ईमानदारी, कार्य के प्रति लगन और अपनी प्रतिभा से अपने संपर्क में आने वाले लोगों को प्रभावित किया। भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण संस्थान न्यू थिएटर्स में बिमलदा फिल्मकार नितिन बोस के सहायक के रूप में काम करने लगी। न्यू थिएटर्स में काम करते हुए बिमलदा ने सिनेमेटोग्राफी पर गहरी पकड़ बनाई, श्वेत शाम छायांकन की चुनौतियों और बारीकियों को समझा। न्यू थिएटर्स में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम करते हुए बिमल रॉय ने छायांकन किया गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और देवदास फिल्म का। फिल्म देवदास के नायक थे महान गायक कुंदन लाल सहगल। कैसा संयोग है कि सन 1955 में बिमलदा ने अपने बैनर तले एक बार फिर से सेल्यूलॉयड पर उतारा शरद बाबू की महान कृति देवदास को। पहले पहल पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर विचार किया गया, लेकिन आखिरकार चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंती माला को। चुन्नीलाल की भूमिका निभाई प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता मोतीलाल ने और देवदास के चरित्र को जीवंत किया दिलीप कुमार ने। सन 1944 में बिमल रॉय ने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की अपने जीवन की उल्लेखनीय फिल्म उदेर पोथे। सितंबर सन 1944 को ये फिल्म रिलीज हुई कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में। आ
फिल्म उदयर पौधे को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की सफलता और लाभ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। फिल्म हमराही के बाद न्यू थिएटर्स के लिए बिमल रॉय ने निर्देशित की फिल्म अंजानगढ़। इसके बाद बिमल दा ने दो और फिल्में निर्देशित की, मंत्रमुग्ध और पहला आदमी। थिएटर्स के लिए पहला आदमी बिमल दा की आखिरी निर्देशित फिल्म थी। मुंबई में फिल्म पहला आदमी का प्रीमियर आयोजित था। इसी प्रीमियर में बिमल दा की मुलाकात हुई हितेन चौधरी से। एक छायाकार और निर्देशक के रूप में बिमल दा की प्रतिभा से हितेन चौधरी सुपरिचित थे। हितेन चौधरी ने एक निर्देशक के रूप में बिमल दा के नाम की अनुशंसा की बॉम्बे टॉकी से संबद्ध अभिनेता अशोक कुमार और सावक वाचा से। मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की माँ, जिसके मुख्य कलाकार थे श्यामा और भारत भूषण। वो दिल पत्थर है जिस दिल में माता का प्यार नहीं, वो आंखें क्या आंखें। इसी दौरान अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए। महान कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना परिणीता के अधिकार उनके पास थे। उनके अनुरोध पर बिमल दा ने निर्देशित की फिल्म परिणीता। चली राधे रानी अखियों में पानी, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, चली राधे रानी। एक दिन बिमल रॉय ऋषिकेश मुखर्जी के साथ महान फिल्मकार कुरुसावा की फिल्म रोशोमन देखकर लौट रहे थे। रोशोमन की प्रस्तुति से ऋषिदा अभिभूत थे। उन्होंने बिमलदा से कहा, क्यों नहीं हम लोग भी ऐसी ही फिल्में बनाएं। और फिर स्थापित हुआ बिमल रॉय का बिमल रॉय प्रोडक्शंस। इस बैनर तले बिमलदा ने 1953 में जिस पहली फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया वो थी दो बीघा जमीन। और ये स्टोरी इंस्पायर्ड हुई थी दो बीघा जमीन, दुई बीघा जमीन बंगला नाम बस इंस्पायर्ड बाय टैगोर। आप हैं बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य। बंगला वर्षन जो था दो बीघा जमीन का उसका नाम था रिक्शा वाला। वो कलकत्ता में उनको देखने लेके गए थे ऋत्विक घटक जो पिताजी के खास असिस्टेंस में हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा प्रभावित पिताजी हुए बाईसाइकिल थीम देख के, जो फिल्म इंस्पायर किया दो बीघा जमीन बनाने। सरकार कौन शंभू? हाँ हाँ बैठ। नायब जी वो कागज लाइए। अभी लाया है। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है हजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं। यहाँ एक मिल लगवाऊंगा
तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर हमारे माए बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा। मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से, इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गर्जमंद समझ कर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा, नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम महसूस कर चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने का काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए, सरकार सरकार सरकार। फिल्म 2 बीघा जमीन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। फिल्म के कथानक, निर्देशन, कलाकारों के अभिनय और सलिलता की सुरीली धुनों को बेहद पसंद किया गया। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना। सन 1954 में आयोजित फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कान में 2 बीघा जमीन ने दर्शकों, फिल्मी हस्तियों और जूरी पर गहरा असर छोड़ा। इस फिल्म को सम्मानित किया गया कार्लो विवेरी पुरस्कार से। फिल्म 2 बीघा जमीन के बाद बिमल दा ने निर्माण और निर्देशन किया फिल्म नौकरी का। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम ही हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। सन 1958 में आई मधुमति और फिर 1959 में बिमल दा ने एक बेहद ज्वलंत समस्या को लेकर बनाई मर्मस्पर्शी फिल्म सुजाता। फिल्म सुजाता अपने मधुर संगीत के लिए भी भारतीय सिनेमा की यादगार रहेगी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए सन 1960 में बिमल दा लेकर आए फिल्म परख, बिमल दा की एक और खूबसूरत फिल्म। सन 1963
सन 1961 में विमल दा ने बनाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महान कृति काबुलीवाला पर इसी शीर्षक से एक और यादगार फिल्म। बादाम लाया पिस्ता बादाम लाया था रंग के पान से काबुलीवाला के केंद्रीय पात्र को अपने अभिनय से सजीव किया बलराज साहनी ने। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, सन 1963 में बिमल दा ने निर्माण किया अपनी कालजयी कृति बंदिनी का। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ, ओ मेरे माझी। फिल्म बंदिनी दरअसल सेल्यूलॉइड पर अभिनय और संगीत की कविता है। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भयारे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। बिमल दा ने हमें वो सिनेमा दिया जिसमें मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी है, समाज के प्रति सरोकार और प्रतिबद्धता भी। हे पर्वत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने, ओ महल बनाए हमने, पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने, ओ फूल खिलाए हमने, हो के हमारी हुई न हमारी, हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया। बिमल दा ने बाहर के बैनर्स के लिए जो फिल्में निर्देशित की उनके नाम हैं अनजानगढ़, मंत्रमुग्ध, पहला आदमी, परिणीता, माँ, बिराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन उन्होंने जिन वृत्त चित्रों का छायांकन किया वो हैं हाउ केरोसिन टिंजा मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फेमिन। एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में बिमल दा ने जिन कथा फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नल थंगल, देवदास, मुक्ति, चंबे दी कली, बड़ी दीदी, उदयर पौथे, उदयर पौथे का हिंदी संस्करण हमराही और अभिनेत्री। बिमल दा के आकस्मिक निधन के बाद उनकी अधूरी फिल्म सहारा को चैताली के नाम से पूरा किया गया। बिमल दा एक बेहद संवेदनशील फिल्मकार थे, उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी एक से बढ़कर एक उद्देश्यपूर्ण प्रेरक फिल्में। उनकी फिल्मों ने हमें कई बार गहरे अवसाद से निकाला, जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने का हौसला दिया और प्रेरणा दी समाज और देश के लिए अपने रचनात्मक योगदान की। 8 जनवरी सन 1966 इस लौकिक जगत में बिमल दा का अंतिम दिन था। जीवन की बंदिनी आत्मा इस संसार की माया से मुक्ति पाकर चली गई उदेर पौथे। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो जाने वाले हो
सुन रहे थे महान फिल्मकार बिमल रॉय पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख शील कुमार शर्मा, निवेदक रेणु बंसल और कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी और प्रदीप शिंदे, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन। प्रोड्यूसर कमल शर्मा। अब देखिए मनीषा जी, जो हमारे श्रोता हैं, जी हाँ, तो अब जिनको हमने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में बता दिया कि रोशन साहब और मदन मोहन साहब के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उनको तो मालूम है कि आज उनके भी गाने हम जरूर सुनवाएंगे। जी हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनवाएंगे। जी जी, हाँ। जी, तो अब वो इंतजार में बैठे हैं कि अब पता नहीं किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इसमें से भी पर्दा उठा देते हैं। पहले बात करेंगे हम रोशन लाल नागरथ साहब के बारे में। 14 जुलाई 1917 को जन्मे थे रोशन लाल नागरथ साहब, और उनका जन्म हुआ था गुजरांवाला, जो उस वक्त अविभाजित भारत का हिस्सा था। जी देखिए, जन्म कहाँ हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन वो फेमस कहाँ हुए, उन्होंने कर्म भूमि किस जगह को बनाया जी, उनकी कला कहाँ निखरी, उनकी कला कहाँ बिखरी, उनके नगमे कहाँ गूंजे, उनका संगीत कहाँ सुना गया, ये बहुत मायने रखता है। जी हाँ, और हम अपने श्रोताओं को बताएं कि उनका संगीत सबसे पहले पहल आकाशवाणी के स्टूडियोज में ही गूंजा था। ये बात तो हमारे मदन मोहन साहब में भी है, अपनी जिंदगी की शुरुआत इन दोनों ने आकाशवाणी से की, उसके बाद फिर ये आगे बढ़े। और रोशन साहब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में इसराज बजाया करते थे, और इसराज बजाने वाले हमारे देश में बहुत कम कलाकार रहे। बिल्कुल सही, पहले भी और अभी भी। तो मनीषा जी, अभी तो वैसे हम रोशन साहब से जो बातचीत हमारे पास है उनसे की गई, वो हम सुनवाने वाले हैं। उसमें रोशन साहब ने जिक्र भी किया है, बात ये हुई थी कि जब वो मुंबई आए जी, यहाँ उनकी मुलाकात हुई केदार शर्मा जी से। केदार शर्मा जी को ये तो लगा कि यार इस आदमी में संगीत की समझ है, और केदार शर्मा साहब प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, गाने भी लिखा करते थे। उन्होंने एक फिल्म लॉन्च की नेकी और बदी, ये बात है शायद 1949 की। वो फिल्म रिलीज हुई और फिल्म नहीं चली, एक भी गीत नहीं चला, पूरी तरह से टूट गए रोशन साहब। कई दिनों तक केदार शर्मा साहब के पास रोशन साहब आए ही नहीं, वो ये सोच रहे थे कि मैं क्या मुंह लेकर इनके पास जाऊं, इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। बाद में जब केदार शर्मा साहब को यह एहसास हुआ कि भाई ये इस वजह से नहीं आ रहे, उन्होंने बुलवाया, बोले क्या बात है, क्या हुआ, बोले नहीं मुझे लगता है कि अब मैं कुछ करने लायक ही नहीं रहा, आपने मेरे पे इतना भरोसा किया और मैंने ये सिला दिया है। बोले तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है भाई, सवाल ये नहीं है कि फिल्म चली या नहीं चली, तुमने अपनी मेहनत की और ठीक है नहीं चली, हम फिर कोशिश करेंगे, निराश मत हो। और उसके बाद तुरंत दूसरी फिल्म उन्होंने अनाउंस की, उसकी भी जिम्मेदारी रोशन साहब को दी, और वो फिल्म एक इतिहास बन गई। उस फिल्म का नाम मैं अब अपने मुंह से क्या लूं, सभी समझ गए, सभी समझ गए, और जो नहीं समझे वो इस गाने को सुनकर समझ जाएंगे। दिल में यूं यूं होने लगा,
श्रोताओ, ये जो गीत आपने सुना ये राजकुमारी की आवाज, राजकुमारी जी की आवाज, तो देखिए किस तरह से एक कलाकार की पहली फिल्म नहीं चलती और दूसरी फिल्म से वो शिखर पर पहुंच जाते हैं। यही नसीब है, यही संयोग है और ऐसा ही कुछ होता है। और इसके बाद पलट के रोशन साहब ने कभी नहीं देखा और ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी शिखर पर ही है। जी हाँ, तो श्रोताओ आज हम इस महान संगीतकार की रिकॉर्डिंग आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। खुद रोशन साहब की आवाज में उनकी कुछ बातें हम सुनते हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें रोशन साहब से बात की है अरविंदा जी ने, तो आइए सुनते हैं ये खास रिकॉर्डिंग। आप सबको मेरी नमस्ते। संगीत के स्वर शायद 10-11 वर्ष की उम्र में ही मेरे ऊपर अपना जादू कर चुके थे। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में? जी हाँ, और गिल्ली डंडा खेलते खेलते मैं उन दिनों के मशहूर गायक और वादक मनहर बर्वे के पास जा पहुँचा। अच्छा। और एक साल तक उनके साथ सारा हिंदुस्तान घूमता रहा और संगीत का अभ्यास करता रहा। तब मैं बहुत छोटा था जब मास्टर मनहर बर्वे खुद स्टेज पर आकर अनाउंस करते कि अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गवैया, तब मैं अपने आप को और भी छोटा महसूस करने लगता। उनकी इस बात से मुझ पर घड़ों पानी पड़ जाता और जब माइक्रोफोन को भी मेरे बराबर छोटा कर दिया जाता तो मैं आदाब बजाकर गजल गाना शुरू कर देता। तब तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे गायक बनना है या संगीतकार, लेकिन मैं स्वरों के पीछे पागल जरूर था। उन दिनों सहगल साहब का एक भजन जो उन्होंने पूरन भगत फिल्म में पहली ही बार गाया था, अच्छा, मेरा दिल ले गया। प्रभावित हुआ कि मैं अपना घर छोड़ के संगीत सीखने के लिए लखनऊ चला गया और वहाँ मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रिंसिपल रतन जंकर की देखरेख में शिक्षा हासिल करने लगा। तो वहाँ आप कितने बरस रहे? पूरे 5 साल रहा। अच्छा। मास्टर ऑफ म्यूजिक की डिग्री हासिल करने के बाद भी मेरी प्यास न बुझी और मैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पास मैहर पहुँच गया। बड़ी दिलचस्प घटना हुई वहाँ। बात यूँ हुई कि उनके पास सीखते हुए मुझे 1 महीना हो गया तो एक दिन अचानक उन्होंने बुलाकर पूछा कि भाई मेरे सिखाने के अलावा कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? मैंने जवाब दिया 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। वो बरसी तो पड़े और फरमाया कि पूरे 8 घंटे रियाज कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो कल से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और रफू चक्कर हो जाओ। मुझे चक्कर ही तो आ गया अरविंदा बहन, मेरा रोना ही निकल गया। फिर आपने 8 घंटे का रियाज किया या नहीं किया ये बताइए। अरे कहाँ साहब, तब भी नहीं किया। नहीं खान साहब मेरे रोने पे कुछ पिघले और बोले कि भाई रोने से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे सामने बैठोगे आज से और मैं रियाज करूंगा, तुम्हारे कानों में कुछ स्वर पड़ जाएं बस मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। उस दिन के बाद वो रोज रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरे सामने बैठकर रियाज करते और 1 साल तक सरोद पर मुझे एमन राग सुनाते रहे। रोशन साहब आप भी सरोद बजाते थे क्या? नहीं, मैं उनसे सरंगी सीखने गया था। रोशन साहब ये बताइए कि रेडियो और फिल्म की कंपोजिशन में क्या फर्क है? आज जहां बैठकर मैं आपसे बातें कर रहा हूं यहीं 10 वर्ष तक मैं काम कर चुका हूं। जब मैं रेडियो छोड़कर फिल्मों में आया था और केदार शर्मा जी ने अपनी पहली फिल्म नेकी बदी के संगीत निर्देशन का भार मुझे सौंपा था, मेरा संगीत उस फिल्म में बिल्कुल नाकामयाब रहा। तब मैंने रेडियो और फिल्म के म्यूजिक का फर्क पहचानने की कोशिश की। पता चला कि रेडियो के गीत केवल कानों के सुनने तक ही सीमित रहते हैं जबकि फिल्म में उसको आप चित्रित रूप में भी देखते हैं। फिल्म में सीन, कहानी की सिचुएशन, मूड वगैरह बहुत सी बातों का ख्याल रखकर धुन बनानी पड़ती है
जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। बागरे नैन के गीतों की मशहूरी शायद मेरी इसी सूझबूझ का नतीजा थी। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा तड़ पाया नहीं करते दिलों को रंग कर दिल अपना बहलाया नहीं करते जो टुकराए गए हों उनको टुकराया नहीं करते दिलों को रंग कर किसी भी गीत की धुन आप कैसे बनाते हैं? कहानी की सिचुएशन को ध्यान में रखकर हम अपनी कल्पना के जरिए अपने आप को उन्हीं हालात में रख लेते हैं जिनमें हमारी कहानी का पात्र होता है। उसी पात्र के भावों को हम संगीत में ढालने की कोशिश करते हैं और ऊपर भला हमारी मदद करता है और फिर धुन बन जाती है। जी हाँ, बन तो जाती है लेकिन यही किस्सा खत्म नहीं होता। हम वही धुन दूसरों के सामने रखते हैं और उनकी राय भी लेते हैं। जैसे कि डायरेक्टर हुए। जी नहीं, उसके पहले हम आपस में ही फैसला करते हैं। मेरा मतलब है मैं तो पहले अपने बेटे राजू को सुनाता हूँ तो वो कभी कभी कहता है पापा धुन तो बड़ी अच्छी है लेकिन इसमें कोंगा और बोंगा तो बजवाओगे ही। हाँ, और मेरा जवाब देने से पहले ही राजू की माँ फरमाती है कि जो कुछ भी आप बजवाए लेकिन भगवान के लिए ऐसे मुलायम गाने में लाउड किस्म की रिदम मत रखिएगा। तो उनकी जो बात मुझे जचती है वो तो जरूर मान लेता हूँ क्योंकि वो भी तो एक दर्शक और श्रोता हैं। बिल्कुल ठीक। गीत में सही साजों का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं जिन दिनों फिल्म सूरत और सीरत के लिए संगीत दे रहा था कुछ अपनी उलझनों में परेशान था और झुंझलाए बैठा था कि गीतकार शैलेंद्र आ गए। मेरी हालत देखकर वो कहने लगे, रोशन परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया में इंसान को क्या कुछ नहीं दिया, इंसान ही उसका शुक्रगुजार नहीं होता। और इतना कह के वो गुमसुम हो गए। फिर एकदम बोल उठे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। और मजा ये है कि हमारी फिल्म की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ की दे। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहां देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजे। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे। अब आप हमें ये बताइए कि फिल्म संगीत के इतने लोकप्रिय होने का कारण क्या है? लोक गीतों की सरलता, शास्त्रीय संगीत की मधुरता, और जैसे मधुमक्खी हर किस्म के फूलों से मिठास लेकर शहद बनाती है, इसी तरह फिल्म के संगीत निर्देशक भी देसी विदेशी शास्त्रीय लोक संगीत इन सब में से मिठास लेकर फिल्म संगीत तैयार करते हैं और इसीलिए तो लोकप्रिय होता है। आपको ऐसा कोई गीत याद है जिसमें इन सभी बातों का मिश्रण हो? ऐसा गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि अरविंदा बहन इस वक्त तो मेरे दिमाग में
मेरी एक नई फिल्म का गीत गूंज रहा है जिसे कवि इंदिवर ने बड़े अनोखे अंदाज में लिखा है और जिसे मैं अभी अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ। तो रोशन साहब जरा सा गुनगुना दीजिए, हम लोग भी सुन ले वो कौन सा गीत है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। रोशन साहब का संगीत एक अलग दुनिया में ले जाता था जी। इसका जिक्र करना बेहद जरूरी होता है मनीषा जी कि ये रोशन साहब ही थे जिन्होंने कव्वाली को फिल्मों में एक अलग जगह दिलाई और वो कव्वाली फिल्मों से जन जन तक एक अलग तरीके से पहुंची। एक से एक सुपरहिट कव्वालियां हैं जो हम सुनते हैं, वो रोशन साहब के संगीत से निकली हैं। श्रोताओ वैसे ही एक और गायकी की विधा है जो सुगम संगीत की विधा है, वो है गजल। और गजल गायकी को फिल्मों में बहुत लोकप्रिय करने का जो सहरा बंधता है वो बंधता है सदाबहार संगीतकार मदन मोहन साहब के सर। और अमर जी आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मदन मोहन साहब के रहते उनका संगीत तो उनके चाहने वालों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उनके जाने के बाद इस दुनिया से उनका संगीत अमर हो गया। आज भी लोग दीवाने हैं मदन मोहन साहब के संगीत। और वो ये दीवानगी ही थी कि यश चोपड़ा जैसे जो हमारे फिल्मकार रहे हैं जी, जब उन्होंने अपनी फिल्म वीर ज़ारा प्लान की तो उसके लिए उन्होंने मरहूम मदन मोहन साहब के संगीत को चुना। ऐसा पहली बार ही हुआ जी हाँ। कि किसी संगीतकार के जाने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स जो उसने कभी कोई धुने बनाई होंगी उनको फिल्मों में लिया गया किस तरह से, मतलब ये एक चमत्कार ही जी है। हाँ, चमत्कार ही है। और इसमें स्वयं लता जी ने और उनके बड़े बेटे संजीव कोहली जी ने बहुत काम किया था, बहुत मदद की थी। खैर एक बात मैं कहना चाहती हूँ अमर जी की, 14 जुलाई ये एक तारीख जो है ये इन दो कलाकारों के साथ जुड़ी हुई है। रोशन साहब का इस दिन हम जन्मदिन मनाते हैं तो इसी दिन यानी 14 जुलाई को ही मदन मोहन साहब इस दुनिया से चले गए थे। खैर श्रोताओं मदन मोहन साहब के बारे में हम क्या बोलें, उनका तो संगीत ही सब कुछ बोल देता है। तो हम आपके लिए आज एक ऐसी रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं जिसमें एक संगीतकार किस तरह से संगीत से जुड़ा होता है इसकी एक बहुत सुंदर सी वानगी है। अमर जी ये जब रिकॉर्डिंग में सुन रही थी तो बहुत रोमांचित हो गई, आपने कहा ना कि आज मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। तो इस रिकॉर्डिंग में मदन मोहन साहब ने रागों की बात करते हुए फिल्मी गीतों के बारे में बताया है। आज हम खैर पूरा प्रोग्राम तो नहीं सुनवा सकेंगे, उसके कुछ संपादित अंश सुनवा देते हैं। लग जा गले
इस बदलते हुए जमाने में मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि मैं आपको कौन से गीत सुनाऊं जो आपकी पसंद पर पूरे उतरें, इसलिए कि हर रोज कुछ नए गाने जन्म लेते हैं और कुछ पुराने हो जाते हैं। कल तक हम जिसे पसंद करते थे हो सकता है आज उसे नापसंद करें। समय का परिवर्तन इसी को कहते हैं। मान्यताएं यूं ही बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं और मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनको समय का वेग और सदियों से चलते आए परिवर्तन भी बदल न सके। उनमें से एक है हमारा शास्त्रीय संगीत। कहने को आज के फिल्म संगीत में पश्चिमी संगीत का ज्यादा रंग दिखाई देता है, लेकिन ऐसे गीतों की उम्र कम होती है या ऐसे गीत किसी मजबूरी के बिना पर ही रखे जाते हैं। मैं अपनी जाती जिम्मेदारी पर कहूंगा कि जितने गाने हमारे शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं उनको सदा पसंद किया गया है और किया जाएगा, क्योंकि पश्चिमी संगीत सिर्फ कानों को ही अच्छा लगता है, 10-20 बार सुनने के बाद मन ऊब जाता है, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जितनी बार सुने जाएं उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को छू लेते हैं, दिल के अंदर उतर जाते हैं। मन कभी भक्ति रस में डूब जाता है, कभी श्रृंगार रस में, कभी वीर रस में, तो कभी किसी मन चाहे की खोज में बन बन भटकता फिरता है। बुजुर्गों ने जीवन के इन्हीं रंगों को सामने रखकर सुरों को बांटा और उनको अलग अलग रागों का नाम दिया। इन्हीं रागों में एक राग है नंद। नंद राग की एक रचना मैंने फिल्म मेरा साया में दी। तान रस के घराने के राग नंद में मशहूर बोल हैं, हारे बारे सैया तोहे सकल बन बन ढूंढूं। इन बोलों में प्रेम भी है और प्रीतम की खोज भी। इसी तरह मेरा साया के इस गीत में प्रेम भी है और तलाश भी। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। महफिलों में गजल गाने का एक अलग स्टाइल होता है, जैसे बेगम अख्तर का स्टाइल है, लेकिन फिल्मों में हम इस तरह गजल पेश नहीं करते, बल्कि गाने वाले की आवाज, फिल्म की सिचुएशन और गजल का मूड देखते हुए राग का चुनाव करते हैं। इसके अलावा धुन इतनी आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को समझने और गाने में दुश्वारी न हो। जैसे राग बागेश्वरी में तलत महमूद की गाई है गजल। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई,
एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े बात हुई, देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई, वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया। दोस्तों, इस जमाने में संगीतकारों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर और दूसरे शास्त्रीय संगीत के उस्ताद। हम म्यूजिक डायरेक्टर्स किसी नई धुन की खोज में रहते हैं और उस्ताद लोग नए रागों और नई बंदिशों की तलाश में रहते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हम लोग अक्सर उस्तादों की चीजों को अपना कर फिल्म में एक नया रूप और नया रंग देकर बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। मैंने राग धर्मी को फिल्म भाई भाई में इस अंदाज से पेश किया। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर दीदी मोरा बालम, बेदर दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर दीदी मोरा बालम, बेदर दी, कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। आशा है आज का प्रोग्राम सुनकर आप सब संगीत के रस सागर में डूब गए होंगे और इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि हमारे शास्त्रीय संगीत में एक महान शक्ति है। इससे पहले कि संगीत का नशा उतरे, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए। आपने ऐसा किया ही क्यों मनीषा जी? ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक इनका संगीत हमारी फिजाओं में गूंजता रहेगा, जब तक ये हवाएं सर 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 करके हमारे कानों के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, तब तब ये हमें याद आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और अब कुछ कहने लायक बचता नहीं, क्योंकि हम सभी जज्बाती हो जाते हैं इस प्रोग्राम को करते हुए। श्रोताओं, अब अगली विविधा तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको आपके मित्र मनीषा जैन का और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां।
फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक।